क्या आप भी अपने Amazon के ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने Amazon पे ऑर्डर को कैसे कैंसिल कर सकते हैं या फिर उसे रिटर्न वापस कैसे कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डिजिटल प्रभाव यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ पर देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर हैं और हम Amazon पर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं या बाई मिस्टेक कोई भी हम प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं, उसे हम कैंसिल करना चाहते हैं, उसे हम नहीं लेना चाहते या फिर हमारा बाई मिस्टेक मोड भी चेंज हो जाता है कि हमें नहीं चाहिए प्रोडक्ट, तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। देखिए के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने Amazon को ओपन कर लेना है और आपने जो कुछ भी यहां पर प्रोडक्ट को बाय किया है उसे कैंसिल करने के लिए देखिए यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। जब आप Amazon को ओपन करेंगे देन यहां पर आपको नीचे आना है और यहां देखिए आप जो आपको यहां पर लॉगिन मिल रहा है लोगो, इस तरीके से प्रोफाइल लोगो यहां पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे हम यहां पर क्लिक करेंगे सो आपकी जो देखिए प्रोफाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। सो इस तरीके से यहां पर जो आपका ऑर्डर होगा वो देखिए यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। माय अकाउंट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा माय ऑर्डर और यहां से भी जो आपने ऑर्डर किया गया देखिए वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कि आपने ऑर्डर किया है या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं अपने ऑर्डर को। लेकिन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे योर ऑर्डर पर और आपने जो भी ऑर्डर किया होगा वो देखिए आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए हमने ऑर्डर किया हुआ है और ये आज कितनी तारीख है, यहाँ पर देखिए 21 जनवरी है और 1 फरवरी तक आने वाला है। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आपका ऑर्डर जो है ऑर्डर टूडे है, यहाँ पर शिपिंग मतलब पैक भी हो जाएगा और डिलीवरी के डेट से भी निकल जाएगा और आपको एक तारीख मिल जाएगा। अगर आपका यहाँ पर कहीं तक भी आया है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, आपके हाथ तक भी नहीं आया है, अगर आपके हाथ में आ जाएगा तो आप उसे रिसीव करने के बाद ओटीपी देने के बाद आपको फिर रिटर्न करने का ऑप्शन आता है यहाँ पर अलग से कि आप 5-6-7 दिन के अंदर रिटर्न भी कर सकते हैं। तो यहीं पर आपको आकर देखना है। अगर हम यहाँ पर कैंसिल करना चाहते हैं देखिए यहाँ पर कैंसिल ऑर्डर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक रीज़न देना होगा कि यहाँ पर आप क्यों इसे रिटर्न करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से आया है, यहाँ पर लिखा है कैंसिल आइटम्स ऑर्डर यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और ये देखिए एक आइकन है यहाँ पर आप क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक मतलब पूछेगा कि आप किस लिए इसे कैंसिल करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं ऑर्डर क्रिएट बाय मिस्टेक, मतलब मुझे ऑर्डर चूज करते वक्त गलती हुई, मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया है, मैंने ऐसा यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और कैंसिल चेकआउट द आइटम पर हम क्लिक कर देंगे और जो हमारा यहाँ पर ऑर्डर है वो यहाँ पर देखिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और यहाँ पर देखिए थोड़ा नेटवर्क इशू है जिसके कारण यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब हमारा आएगा और जो हमारा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लुक बी आई द है प्लीज ऑर्डर 3 डे मंथ, देखिए आपका जो भी ऑर्डर है वो यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एक बार हम बैक कर लेते हैं और हम यहाँ पर देखिए रिफ्रेश कर लेते हैं इसे को और इसे रिफ्रेश करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर देखिए ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो योर ऑर्डर और यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ देखिए हमारा कोई भी ऑर्डर नहीं है, यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं देन फिल्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑर्डर नोट यहाँ पर आपको कई सारे कैंसिलेट, तो यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करके एक बार अप्लाई कर लेना है और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे जो आपने ऑर्डर को कैंसिल किया होगा वो देखिए यहाँ पर कैंसिल लिखकर भी आ जाएगा। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपने अकाउंट को जो जिसको भी मतलब कैंसिल किया है वो यहाँ पर कैंसिल हुआ है या नहीं, तो देखिए यहाँ पर कैंसिल लिखकर आ चुका है मतलब ये कैंसिल हो गया है। सो इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ही आसान तरीके से उसे कैंसिल कर सकते हैं, उसे रिटर्न कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर उसे कैंसिल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।